फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैंने अपने पीसी में चिमेरा टूल इंस्टॉल किया था। एक सैमसंग का फ़ोन था जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। उसका आईवी नंबर करप्ट हो गया था स्वैपिंग के टाइम, तो उसका आईवी नंबर रिपेयर किया था, रिपेयर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टूल को अनइंस्टॉल भी कर दिया है, मगर एक प्रॉब्लम बन गया हमारे पीसी में। जैसे कि यहाँ पर मैं ये डिवाइस खोल रहा हूँ, अपने फ़ोन का जो डाटा है, जैसे कि इसमें मैंने फर्मवेयर डाउनलोड किया है, तो उसे मैं पीसी में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं यूएसबी लगा रहा हूँ, और यूएसबी लगाने के बाद यहाँ पर ये ड्राइवर लेगा, अभी क्या ले रहा है, अभी कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर परमिशन देना पड़ेगा फ़ोन का, तो परमिशन दे देता हूँ मैं, ये फाइल ट्रांसफ़र एंड्रॉयड, इस पर टिक लगाऊंगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर अदर डिवाइस में जाके फ़ोन का मॉडल नंबर आ रहा है। अगर हम इसे अपडेट करते हैं इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर करते हैं, तो ये नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आ रही है, और इसका सोल्यूशन और किसी को नहीं पता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पर जाना है, और सबसे पहले यहाँ पर आपको टिक लगाना है, क्लिक करना है, सॉरी, ब्राउज माय कंप्यूटर डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चले जाना है फिर से अपने माय पीसी में और सी ड्राइव में, और इसमें जाना है विंडोज़ में। विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपको आई टाइप करना है, ये वाला फोल्डर आ गया INF, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट, यहाँ पर टिक लगा रहने देना है, नेक्स्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्टेड, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद शो डिवाइस पर टिक रहने देना है, और डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं MTP USB डिवाइस पर आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, और ये ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं विंडो हैज़ सक्सेसफुल अपडेट योर डिवाइस, और यहाँ पर ये देख सकते हैं नार्जो 50 प्रो 5G हमारा फ़ोन आ चुका है। इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल नंबर यहाँ पर आ गया है। एक बार मैं अपनी माई कंप्यूटर में जाकर देखता हूँ, तो यहाँ पर हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है ये। तो हमारे जो पीसी में प्रॉब्लम बना था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। एक फाइल डाउनलोड किया था मैंने, डाउनलोड में होगा, और हमारा IDM में होगा, कॉपी कर लेते हैं IDM, और यहाँ पर होगा कौन सा फाइल था, फाइल तो डाउनलोड किया है, चलो जो भी है यहाँ पर हमारा फाइल है वो खुलने लगा है, ये वाला फाइल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर फाइल है वो ट्रांसफ़र होने लगा है, ठीक है। अगर आपके पीसी में भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो आप सोल्व कर सकते हैं।